नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में आज का दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद आनंद मोहन के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। जी हां, पहले हम बात करते हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। तो आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जी हाँ, दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पिछले दिनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चार्ज शीटेड करार दे दिए गए थे, जिसके बाद इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है, जिसके बाद आज वो दिन आ गया है जब इस मामले पर फैसला लेना है। जी हाँ, आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसको लेकर एकदम से गहमा गहमी बनी हुई है। वहीं क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र, क्या लगता है कि आज कोर्ट क्या कुछ फैसला सुना सकती है? देखिए प्रीति, जिस तरह से आज राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी को लेकर के सुनवाई होनी है, ये आज का दिन तेजस्वी यादव के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के पहले ही से तेजस्वी के पूरे परिवार में कहा जा सकता है कि उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीशा भारती पहले से चार्जशीटेड थी, और ये मामला काफ़ी पुराना था। हालांकि इसे पूरी तरह से राजनीतिक तूल देने का भी प्रयास किया जा रहा था, जैसा कि राजद फैमिली के लोगों ने आरोप लगाया, लगातार लगाते आ रहे हैं कि ये सभी जो चार्जशीटेड किया जा रहा है लालू परिवार को, तो इसके पीछे बीजेपी की मंशा है। तो ऐसी अब क्या इस पर सुनवाई होना है, ये तो कोर्ट का फैसला आना है। लेकिन इतनी बात तो आवश्यक है कि जिस तरह से अब तेजस्वी यादव को चार्जशीटेड किया गया है, क्योंकि पहले तेजस्वी यादव को चार्जशीटेड नहीं किया गया था, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, तब से लगातार बीजेपी इस लालू परिवार पर हमलावर है, खासकर तेजस्वी पर निशाना साधा जा रहा था। हालाँकि कई बार तेजस्वी यादव ने भी इस बात को मीडिया के सामने रखा है कि जब से हमारी सरकार बिहार में बनी है, तब से बीजेपी किसी ना किसी बहाने उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। तो जिस तरह से लगातार सुनने में आता है कि ये आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और जिस तरह से उनका ये आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, खासकर लालू परिवार और राजद के लोगों के ऊपर, तो जिस तरह से आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इन मामले में सुनवाई होना है, तो ये तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उसके बाद अब तेजस्वी यादव, तो जो ये पूरा जांच चल रहा है, इस जांच को लेकर के कई बार छापेमारी हुई है, सिर्फ लालू परिवार में ही नहीं, लालू के कई करीबी नेताओं के यहाँ भी छापेमारी हुई है। भोला यादव हैं, तो सुनील सिंह है, कई ऐसे लोग जो काफी लालू फैमिली के करीब माने जाते हैं। इस बार तो उनकी बेटी हेमा यादव का भी नाम सामने नाम आया था। तो जिस तरह से अभी ये कहा जा सकता है कि आज की ये जो सुनवाई होगी, सीबीआई ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए होंगे, उस साक्ष्य के आधार पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट दायर की गई है, अगर कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ जाएगी और उन्हें जमानत लेना होगा। तो कहीं ना कहीं यदि इस याचिका को अगर एक्सेप्ट कर लेने के बाद इनकी जब मुश्किलें बढ़ेगी कि इन्हें बेल लेना होगा, तो इसके बाद लगातार जो है विपक्ष लालू परिवार पर और खासकर तेजस्वी यादव पर हमलावर होंगे, क्योंकि आप देखिए पिछले मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था, विपक्षों ने सदन तक नहीं चलने दिया, सदन का बहिष्कार किया, उनका सिर्फ एक ही नारा था कि ये चार्जशीटेड हैं, इन्हें उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। तो इस मांग को लेकर के लगातार जिस तरह से विपक्ष पहले से हमलावर है, और कहीं ना कहीं यदि आज कोर्ट के द्वारा सीबीआई की याचिका को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इन्हें जमानत लेनी होगी, और उसके बाद एक बार बीजेपी जो है लालू परिवार पर और राजद पर फिर से हमलावर हो चुकी है। तो ये जिस तरह से आपने ज्ञानेंद्र बताया कि जिस तरह से मानसून सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने के लिए मिला, जो विपक्ष है, जो बीजेपी है, वो इस्तीफे की मांग पर अड़ गई थी। तो अगर तेजस्वी यादव का जो सुनवाई होने वाली है, अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, तो क्या उसका असर अगले जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि जनता क्या मतलब ऐसे सरकार को एक्सेप्ट करेगी जो स्कैम, किसी बड़े स्कैम में चार्जशीटेड करार दे दिए गए हों? देखिए निश्चित रूप से, देखिए अभी
आप जान रही हैं कि बिहार में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो आरजेडी है जी। आरजेडी का जनाधार माना जाता है लालू परिवार को, लालू खासकर लालू यादव से। हालांकि लालू यादव कई मामलों में भी आरोपी भी रहे हैं, जेल भी गए हैं, आज वो जमानत पर हैं, लेकिन जनता जो है वो आज भी तेजस्वी यादव को चाहती है, लालू यादव को चाहती है। ठीक है, इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा होता है, यदि कोर्ट का निर्णय होता है, कोर्ट एक्सेप्ट याचिका को कर लेती है, इन्हें जमानत लेना पड़ता है, तो ये कोर्ट का मामला अलग होगा। लेकिन जो विपक्षी दलें हैं, जिस तरह याचिका ये चार्जशीट दायर करने के बाद जिस तरह से बीजेपी हमलावर है, और यदि अब कोर्ट के द्वारा इस मामले को संज्ञान में ले लिया जाता है और उसके बाद इन्हें जमानत ली जाती है, तो निश्चित रूप में बिहार में जो है महागठबंधन पर पूरी तरह से विपक्षी दल हावी हो जाएगी। क्योंकि चार्जशीट होने के बाद तो लगातार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी, नीतीश कुमार पर दबाव दिया जा रहा था, कई तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन जब अब ये जमानत पर आ जाएंगे तो ऐसे में बीजेपी हमलावर होगी, गोलबंद होने का प्रयास करेगी, पूरे विपक्ष एक साथ उस मुद्दे को खास तौर पर उठाने का काम करेगी। उस मुद्दे को लेकर के जैसे भी देखिए लगातार जो है जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था बीजेपी का, अभी कई दौर में बैठक चली है, तो ये बैठक जो चल रही है या फिर उसकी जो जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसमें पहले ही से एक रणनीति तैयार की गई होगी कि वो, चूँकि बीजेपी जान रही थी कि सीबीआई याचिका दायर करेगी, उसके बाद क्या होना है नहीं होगा, उस आशंका पर एक पूरी तरह से रणनीति तैयार कर चुके हैं। और जैसा ही अगर कोर्ट का ये निर्णय होता है, उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तेजस्वी को जमानत लेना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से बीजेपी जो है जन जन के पास जाकर के इनके खिलाफ अपनी बिगुल बजाएगी और अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करेगी और लगातार इनके इस्तीफे को लेकर के जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जाएगा, जो कि सरकार के लिए काफी नुकसानदायक होगा। तो ये तो ज्ञानेंद्र हो गई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बात। अब चलते हैं आनंद मोहन जो कि पूर्व सांसद है, तो क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होने वाली है तो आनंद मोहन जिस तरह से रिहा है तो वही चीज बरकरार रहेगी या फिर वो फिर से जेल जा सकते हैं? देखिए जिस तरह से आनंद मोहन लंबे समय तक जेल में रहे, लगभग 15 साल से अधिक का समय उन्होंने जेल में बिताया है, इसको लेकर के लगातार आनंद मोहन के पत्नी लवली आनंद हो, चाहे अभी जो उनके पुत्र हैं चेतन आनंद जो कि आरजेडी के विधायक हैं, फिर उनका एक संस्था चलता है फ्रेंड्स ऑफ आनंद, तो इसको लेकर के जिस तरह से आनंद मोहन 15 साल जेल में गुजार चुके थे, तो लगातार जो है इन लोगों के द्वारा एक रणनीति तैयार की जा रही थी और सरकार से मांग की जा रही थी, सरकार पर दबाव दिया जा रहा था कि आनंद मोहन की सजा पूरी हो गई है, अब इन्हें जेल से रिहा करना जाना चाहिए। लेकिन सरकार पिछले लगभग 4-5 साल से लगातार फ्रेंड्स ऑफ आनंद, लवली आनंद या फिर चेतन आनंद के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था और सरकार के समक्ष कई बार प्रस्ताव भी दिए गए थे कि इस पर विचार किया जाए और आनंद मोहन को जेल से रिहा किया जाए। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक धीरे धीरे इसमें सुधार आता गया और नीतीश के करीब चेतन आनंद पहुंचते गए, जिस तरह से भी वो आरजेडी के विधायक हैं और अब महागठबंधन में उनकी सरकार है, तो नीतीश से जब सरकार में आ जाने के बाद थोड़ा सा होता है कि हृदय परिवर्तन होता है, नीतीश कुमार की अगर जो पहले की मंशा थी उसमें परिवर्तन आया होगा, क्योंकि आरजेडी हैं और आरजेडी बड़ी पार्टी है और आरजेडी के सहयोग से ही आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो इस प्रस्ताव को काफ़ी विचार करने के बाद जिस तरह से आनंद मोहन को रिहा किया गया, तो उसके बाद इस बात से जो DM जो थे कृष्णैया, उनकी पत्नी जो है अब इस चीज़ का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और उन्होंने इसे गलत ठहराया। उनकी पत्नी का साफ कहना है कि जिस तरह से हमारे पति की हत्या की गई और एक आरोपी को सरकार के द्वारा छोड़ दिया जाता है, ये बर्दाश्त नहीं है, मुझे फांसी की सजा, चूँकि वो पहले ही से आनंद मोहन की फांसी की सजा की वो मांग कर रहे थे, लेकिन फांसी की सजा तो दूर, जब एक व्यक्ति को सजा हो जाती है, सजा पूरी हो गई, उसके बाद सरकार के द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो उन्हें काफ़ी आहत पहुंचा है और उसके खिलाफ वो नहीं चाहते हैं कि आनंद मोहन जेल से बाहर रहे, क्योंकि उन्होंने अपना पति को खोया है। इस बात को लेकर के वो आज तक काफ़ी सदमे में है और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सरकार और आनंद मोहन को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, जिसके बाद इस तरह का रोल सामने आया कि आनंद मोहन को रिहा होना पड़ा। लेकिन अब उसी तर्क को देखते हुए
उनकी पत्नी उमा कृष्णैया ने जो याचिका दायर किया है उस पर आज सुनवाई होनी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आनंद मोहन के लिए कि आज जो सुनवाई होती है वो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए अपने प्रमाण और अपने साक्ष्य को सुप्रीम कोर्ट किस आधार को पर को क्या आधार बनाती है और उस आधार को देखते हुए आज काफ़ी बड़ा निर्णय होने वाला है। और निश्चित रूप से जहां तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से याचिका दायर किया गया है उनकी पत्नी उमा कृष्णैया के द्वारा, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कदम उठा सकती है और आनंद मोहन की मुसीबतें बढ़ सकती है। जी तो धन्यवाद ज्ञानेंद्र। तो आज कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली का कोर्ट है वहां पे सुनवाई होने वाली है। अगर याचिका को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो तेजस्वी यादव को किसी भी हाल में जमानत लेनी पड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पूर्व सांसद आनंद मोहन की तो उनके मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दोनों मामलों में यदि कोर्ट का निर्णय अगर आता है तेजस्वी के खिलाफ या आनंद मोहन के खिलाफ तो इसका प्रभाव पूरी तरह से बिहार की राजनीति पे देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। जी ज्ञानेंद्र, तो अब ये भी देखने वाली बात हुई कि अगर दोनों मामले में अब कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, वहीं उस फैसले पर जनता किस तरह से रिएक्ट करती है ये तो अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है और विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में होने वाला है इन दोनों चुनाव में देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम Twitter, Instagram और Facebook पर भी उपलब्ध है, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।